आसाम मेरा अपना शहर, मेरा अपना घर, जल्दी यहाँ के लोग मेरे अपने हैं, अपना परिवार है। जल्द मुलाकात होगी आसाम से और हमेशा खुश रहें और आई लव यू आसाम। आप इतना फिटनेस कैसे रखते हैं? ठीक है, ये भी भाई हमारे फिट ही है एकदम, देखिए कैमरे के सामने एकदम फिट रहते हैं। फिर से आसाम कब आने वाले हैं आप? अभी तो जाने की इच्छा नहीं हो रही है यार। मोर सहित এই মুহূৰ্তত এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি আছে, যিগৰাকী ব্যক্তি দেশৰ ৰিয়েল হিৰো হিচাপে পৰিচিত, সোনু সুদ। এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীত সোনু সুদ আছে। মই দেখুৱাইছোঁ যে এই মুহূৰ্তত তেওঁ কোকৰাঝাৰৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা তেওঁ গুৱাহাটীত আহি পাইছেহি, আৰু বিশেষ অসম আৰক্ষীৰ যিসকল বিশেষ জোৱান, সেইসকল জোৱানৰ সৈতে তেওঁ কথা বতৰাত মিলিত হৈছে। সোনু সুদ ডাঙৰীয়া আছে, আসাম দৰে পে আয়ে হে মা কামাখ্যা কে ধৰতী, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কি ধৰতী পৰ খুলুম বাই সে শুৰু কিয়ে থে ভাষণ, और अंतिम में आसाम के लेके बहुत चर्चा की है आप कम समय में। जी जी, तो क्या क्या बात? बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि आसाम इतनी खूबसूरत जगह है कि यहाँ पर जब तक आप नहीं आते आपको महसूस नहीं होता, और इंडिया का ट्रिप अधूरा रहेगा जब तक आसाम नहीं आते। लोग बड़े प्यारे हैं यहाँ के, सब लोग देख रहे हो आप चेहरे पर क्या खुशी है सब लोगों के यहाँ पर, और मुझे लगता है कि हर एक इंसान को आसाम आना जरूर चाहिए। सुनोपा जी, कोरोना के समय आसाम के ऐसे बहुत लोग हैं जिसको आप मदद किए थे, वो लोग भी आपको बहुत आभार व्यक्त करता है। जी, आसाम परिवार है हमारा, यहाँ पे रहने वाले लोग हमारा परिवार है, और जो कुछ भी मेरे से थोड़ा बहुत बन पाएगा मैं करता आया हूँ, करता रहूँगा। फिर से आसाम कब आने वाले हैं आप? अभी तो जाने की इच्छा नहीं हो रही है यार। वापस ज़रूर आ जाएंगे, जल्दी आप बुलाएंगे तभी आ जाएंगे हम लोग। हम बुलाएंगे तब आएंगे आप? बिल्कुल आएंगे, 100%। आप आवाज़ देकर देखना मेरे भाई। सुनोपा जी, और एक बात, आसाम में हिमंत बिस्व शर्मा जी भी बहुत तेज से अभी काम कर रहे हैं, तो कैसा लगता है आप हमारे सीएम का काम देखकर? बहुत अच्छा लगता है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो अच्छा पूरा स्टेट को करें, ऐसे ही कमाल का काम करते रहें, एंड आई थिंक अंडर हिज लीडरशिप डेफिनेटली सब अच्छा ही होगा, और लोग खुश रहने चाहिए, लोगों का भला होना चाहिए, और आई थिंक जो लोग लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं उस स्टेट अपने आप तरक्की करती है। सुनोपा जी, आप ड्रग्स को लेकर आप बहुत ऐसे आप कैंपेन चला रहे हैं, आसाम में भी ऐसा मतलब गवर्नमेंट जो आया आज से 2 साल पहले से बहुत ड्रग्स के लिए मतलब बहुत एक्शन चला ड्रग्स के खिलाफ, तो आप क्या यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आज इस टाइम मीट के जरिए से? मैं यही कहना चाहूँगा, यूथ को फिटनेस की तरफ ध्यान दो, ड्रग्स से दूर रहो, और ना सिर्फ यूथ को बल्कि सब सोसाइटी वालों को भी, जो यूथ इससे पीड़ित हैं, पेरेंट्स, फैमिलीज, जो भी आप जानते हैं, उसकी हेल्प करो, और अगर यूथ ठीक रहेगा तो देश ठीक रहेगा। अंतिम में और क्या बोलना चाहते हैं? एकदम अपना अपना वाला बात, वही वाला बात कि आसाम मेरा अपना शहर, मेरा अपना घर, जल्दी यहाँ के लोग मेरे अपने हैं, अपना परिवार है, और जल्द मुलाकात होगी आसाम से, और हमेशा खुश रहें, और आई लव यू आसाम। फिटनेस बारे में बोल दीजिए, आप इतना फिटनेस कैसे रखते हैं? ठीक है, ये भी भाई हमारे फिट ही है एकदम, देखिए कैमरे के सामने एकदम फिट रहते हैं, आप भी फिट रहिए मेरे भाई, गॉड ब्लेस यू, और खुश रहें हमेशा। थैंक यू सोनू पाजी, थैंक यू, नाइस टू मीट यू।